NTAUGCనే ఈ అన్ని ఇమేజ్నే డౌన్లోడ్ ఇట్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में कि हम किस तरह से इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों और आगे भी आने की संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन मॉडल की, कुछ बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल हम करने वाले हैं और इनमें से अब क्वेश्चन आने लग गए हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी जून 2019 में आया है इससे रिलेटेड, तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की, ये हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसमें से दोस्तों पहले भी दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। देखिए जो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कॉग्निटिव डोमेन हम कहते हैं। देखिए इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ज्ञान बढ़े, उसमें समझ बढ़े, उसमें आवेदन विश्लेषण संश्लेषण करने की क्षमता बढ़े। देखिए इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता है वो विकसित हो, बच्चे को अगर कोई बात बताई जाए तो वो उस पर समझे, सोचे समझे, और अगर कोई बात उसे समझ में ना आए तो वो आर्ग्यूमेंट करे टीचर के साथ कि टीचर ये बात इस तरह से भी हो सकती है या नहीं हो सकती, यानी कि उसके ऊपर अच्छे तरीके से विचार करे। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन का होता है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में बढ़ावा देना, और भी कई चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होते हैं उसके अंदर मुख्य किन बातों का ध्यान रखना होता है एक टीचर को। अब देखिए सबसे पहली जो बात है वो हम करते हैं शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। अब टीचर का सबसे पहला काम ये है कि उसको इस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको इंटरेस्ट आए, पढ़ने में मज़ा आए। अगर मज़ा आएगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा, और अगर क्लास में अगर ऐसे ही बोरियत सा माहौल होगा तो क्या होगा कि बच्चे को नींद आएगी और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, उसका ध्यान है वो इधर उधर भटकेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। यही बातें हमने इस नोट्स में लिखी हुई है, आप इस नोट्स में ये बातें पढ़ सकते हैं। और देखिए इसके अंदर क्या होता है कि कई चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हुई कि शिक्षक जानबूझकर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके भी छात्रों में रुचि पैदा कर सकता है, मैं नहीं जानता। अब देखिए कई बातें ऐसी होती हैं हम नेगेटिव कह देते हैं भी, देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप बताइए, स्टूडेंट में से आप में से कोई बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, मुझे नहीं पता। इस तरह की बातें कह के हम उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं, रुचि पैदा करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास विषय वस्तु को संगठित करना, ऑर्गेनाइज कंटेंट मैटर। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक को तर्क संगत ढंग से संरचित करना, उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना, तत्पश्चात समस्या को सामने रखना। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई भी बात समझाने के लिए ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई बात कह दें, उसके लिए ये है कि हमें उससे रिलेटेड कोई कहानी बतानी चाहिए, कोई एग्जाम्पल देना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई डेमो हो या कोई वीडियो हो तो वो हमें दिखानी चाहिए, यानी कि उससे संबंधित जितना भी हमारे पास मैटर है वो इकट्ठा करना चाहिए जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। तो इसलिए ये ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास उद्देश्य में अनुरूप पुनरावलोकन, अब रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों,
प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, छात्रों के उनके महत्व पर बल देना, मुख्य बिंदुओं और विपरीत विचारों की संक्षेप में एक दूसरे के साथ तुलना करना। इसका मतलब ये दोस्तों कि देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, तो उन चीज़ों को हमें क्लास के अंदर बार बार दोहराना चाहिए, उनको बार बार रिलेट करना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए कि हमने कुछ बात बता दी, ठीक है, और फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ, तो वहाँ पर अगर हमें उसका एग्जाम्पल मिले उसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो हमें बताना चाहिए कि ये देखो उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी ना, ये बात इस बात से रिलेटेड है, इस चीज़ से रिलेटेड है। इस तरीके से हमें उसको रिलेट करके चलना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। तो ये होता है रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। और आगे दोस्तों प्रतिपुष्टि, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए प्रतिपुष्टि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे तो बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या आपको समझ में आया नहीं आया, और बच्चों को कहना चाहिए कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, और पूछना चाहिए कि किस किस ने होमवर्क किया है या नहीं किया, यानी कि उनको सभी तरह से बातें पूछनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए कि क्या हमने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। और भी कई तरह के फीडबैक हो सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है वो खिड़की से बाहर देख रहा है, तो हमें पूछना चाहिए भाई बाहर क्यों देख रहा है। अगर हम उससे पूछेंगे तो वो बच्चा क्या है कि आगे से बाहर देखने की बहुत कम कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमें फीडबैक लेते रहना चाहिए, और हमारी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी फीडबैक लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या हम जो पढ़ा रहे वो सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे क्या है, ये सभी बातें हमें पूछनी चाहिए। फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर कई तरह की बातें हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, अगर एक एक बात में पढ़ने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और आगे दोस्तों प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत, अब देखिए ये सिद्धांत हमें पता होना चाहिए, इनमें से भी क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से चार तरह के सिद्धांतों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला शिक्षकों के लिए, टीचर के लिए सिद्धांत क्या है, मैसेज डिज़ाइन, जो हम मैसेज दे रहे हैं उसके लिए क्या सिद्धांत है, शिक्षण विधियाँ अनुकूल शिक्षण वातावरण के लिए क्या सिद्धांत है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षकों के लिए सिद्धांत क्या है, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि एक मिनट रुके, अब इसमें है एक यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हमें हमारे हमने जो धारणाएं बना रखी है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, वास्तव में स्वीकार करना चाहिए कि रियलिटी में क्या है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक चीज़ कि हम कई बार अवधारणा बना लेते हैं कि ये जो बच्चा ये बहुत अच्छा बच्चा है, और अगर कोई स्टूडेंट या कोई और आके हमें कहे कि ये बच्चा इसमें ये कमी है, और उसकी बातों को हम नकार देते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में पहले अवधारणा बनाई हुई है। तो अवधारणाओं को हमें तोड़ देना चाहिए, हमें सही तरीके से सोचना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, ये चीज़ हमारी शिक्षा पर भी लागू होती है। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। अब जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसे हम समझते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, नहीं वैसे नहीं, आप अच्छे तरीके से सोचने समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि हमने जो अवधारणा बना रखी है, अपना बिलीव जो बना रखा है, उससे परे हटके भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे देखते हैं विषय वस्तु में दक्षता का विकास, डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। अब हम जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हमारी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो टाइम टू टाइम समय के अनुसार हमें उसमें विकास भी करना चाहिए। नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको हमें सीखना चाहिए, जैसे आज के समय में हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, और इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का हमें ज्ञान होना चाहिए, और जो टीचर है उसको बताना चाहिए कि अच्छा कंटेंट आपको और कहाँ से मिल सकता है, और उसे खुद में भी
इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और आगे शिक्षार्थी को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों टीचर के लिए। अंडरस्टैंड द लर्नर, जो बच्चा पढ़ रहा है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके उसकी थिंकिंग क्या है और वो किस तरह से पढ़ रहा है, उसका वातावरण क्या है यानी कि उसके घर की कंडीशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम बच्चे को समझ पाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने टीचिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अब ये देखिए, ये चीज़ भी होती है, जो टीचर होता है, कई टीचर होते हैं कि बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाएंगे, कई टीचर होते हैं कि हंसी मजाक में पढ़ाएंगे जिससे बच्चे खेलते रहते हैं, यानी कि खेलने का मतलब उन्हें मज़ा आता रहता है जब वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रभावी संचार कौशल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे दोस्तों हमारे पास शिक्षा विज्ञान यानी कि पेडागोजी और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, इन दोनों के सम्मिश्रण से कक्षा संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैंने पहले टीचिंग की वीडियो में बताया था कि शिक्षक केंद्रित क्या होता है, जिसके अंदर शिक्षक ही सब कुछ निर्धारित करता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ठीक है। और छात्र केंद्रित वो होता है जिसमें छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है, छात्रों से हमें पूछना चाहिए कि आपको कौन सा लेसन पढ़ाना चाहिए, कौन सी यूनिट का कौन सा जो पार्ट है वो हमें शुरू करना चाहिए। तो छात्रों की भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अच्छा कम्युनिकेशन कब प्रभावी होगा, जब शिक्षक और छात्र दोनों मिलके रणनीति तैयार करेंगे, तो वो तब हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। आगे दोस्तों, शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ। अब देखिए, ये चीज़ हमारी लागू होती है, जो सरकारी स्कूल है उसके ऊपर ज़्यादा लागू कह सकते हैं। अब जो हमारा टीचर है उसको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब देखिए, ज़्यादातर हम सरकारी स्कूलों में क्या देखते हैं कि जो टीचर है वो अच्छे से नहीं पढ़ाते। कई बार मैंने सुना है, पर्सनली सुना है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर है वो कई बार ये कह देते कि आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो इस तरह से बहुत सारी वो बातें करते, लेकिन उनको कर्तव्य समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। सरकार हमें इतने 60-70 हज़ार रुपए दे रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके बदले में अच्छी एजुकेशन दें, ऐसे बहानेबाजी ना करें। तो उनको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए शिक्षकों को। और आगे दोस्तों, संदेश नियमित करने के सिद्धांत। अब इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर किस तरह से हैं। अब देखिए, इसके अंदर मुख्य रूप से एक शब्द का यूज़ किया जाता है, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट, यानी कि विशेष कोई चीज़ हमें बतानी है। और एम मेजरेबल, यानी कि जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको सही तरीके से काउंट कर सके, जिसको अच्छे तरीके से समझ सके बच्चे कि हम क्या बता रहे हैं। मेजरेबल का मतलब ये होता है। अचीवेबल, और ऐसी हमें चीज़ बतानी है जो बच्चा अचीव कर सके, जो समझ सके। हमें क्लास में ऐसी बात नहीं बतानी जो बिल्कुल बच्चा समझ ही ना सके, जो बिल्कुल उसके परे बात हो, वो नहीं बतानी। हमें ऐसी बात बतानी है जो अचीवेबल हो। और आगे रिलास्टिक, यथार्थवादी, यानी कि जो यानी कि सही रूप से सही मायने में लागू होती हो, वो चीज़ हमें बतानी है। हमें काल्पनिक चीज़ें ऐसी नहीं बतानी कि जो कहीं अस्तित्व के अंदर ना हो, हमें ऐसी चीज़ें बतानी है जो अस्तित्व के अंदर, हमारे नेचर के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। टाइम फ्रेम, निर्धारित समय सीमा, जो हम टाइम लेके चल रहे उसके अंदर वो हमारा सिलेबस है, हमारी टीचिंग है, कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एक टॉपिक को ले लिया, वो एक दिन में पढ़ाना चाहिए, लेकिन 10 दिन उस पर लगा रहे, ऐसे करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर सीक्वेंस, जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी सही सीक्वेंस होनी चाहिए कि पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बगैर सीक्वेंस से हमें नहीं चलना चाहिए। सुबोध भाषा का प्रयोग, अब देखिए, हमें जो भाषा जो यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सभी को समझ में आ सके, कठिन भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उचित प्रतीक, हमें ऐसे सिंबल का यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सके। अब देखिए, कई तरह की चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो सिंबल हम, जैसे हम इसमें बात की है ट्रैफिक लाइट की, हो सकता है कि जो सिंबल हम ट्रैफिक लाइट के इंडिया में यूज़ करते हैं वो अमेरिका में यूज़ ना किए जा रहे हो, जापान के अंदर कोई और सिंबल यूज़ किए जा रहे हो। तो जापान के जो सिंबल है वो हम इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते बच्चों के सामने,
तो हमें ऐसे प्रतीकों का यूज करना चाहिए जो हमारे इंडिया में ज़्यादा प्रचलन में हो, जिनको ज़्यादा बच्चे अच्छे से समझ सके। आगे दोस्तों, प्रासंगिक अभ्यास, रिलीवेंट प्रैक्टिस। अब इसके अंदर क्या होता है, यह विद्यार्थियों के कक्षा एवं मानसिक सत्र के अनुरूप दिया जा सकता है। जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों, वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे आसानी से कर सके। ऐसे नहीं है कि हमें बहुत कठिन प्रैक्टिस नहीं देनी चाहिए, हमें बच्चों को वही बात है, सबसे पहले हमें बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे की क्षमता क्या है, किस तरह से वो कर सकते हैं, उनकी योग्यता क्या है, उसी के अनुसार हमें उनको होमवर्क देना चाहिए, उनको प्रैक्टिस देनी चाहिए। और आगे दोस्तों, हमारे पास शिक्षण विधियां और मीडिया के चयन। अब देखिए, जो हम टीचिंग विधि यूज़ कर रहे हैं और मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला आता है इसके अंदर प्रासंगिक और उचित विधियाँ एवं मीडिया का चयन। अब देखिए, हमें ऐसे मीडियम का चयन करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही लगे। अब देखिए, मान के चलते हैं कि हम बच्चों को कहने लगे कि हम आपको ना आज से YouTube पे पढ़ाएंगे, क्लास के अंदर कहने लगे, हो सकता है ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल ही ना हो, तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसे विधि का यूज़ करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके और आसानी से उसको ले सके। शिक्षण विधि और मीडिया उद्देश्य एवं सामग्री के लिए प्रासंगिक हो, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ, ये वही बातें जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। विविध विधियों एवं मीडिया का उपयोग, यूज वेराइटी ऑफ मेथड एंड मीडिया, ये कक्षा शिक्षण में छात्रों को रुचि बनाए रखने में और निरस्ता को बचाने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमें समय समय पर हो सके तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो चेंज करके देखना चाहिए, या फिर जैसे वो है ना सेट्टो बॉक्स होते हैं सरकारी स्कूलों में, अब तो शायद पता नहीं है या नहीं, पहले होते थे, बच्चों को एक टीवी के ऊपर दिखाया जाता था, कुछ पढ़ाने का मटेरियल दिखाया जाता था, तो वो अलग अलग मीडिया का यूज़ करके बच्चों में रुचि बढ़ाई जाती थी। तो हमें समय समय पर अलग अलग मीडिया का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों में रुचि आ सके और वो अच्छे से पढ़ सके। और आगे दोस्तों, अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का उपयोग। अब हमें जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए। अब वही बात आ रही है, जैसे कि हम सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल सही क्लियर क्वालिटी आए और उसके अंदर आवाज़ वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो। अगर ख़राब क्वालिटी है, उसके अंदर अच्छे से तस्वीर नहीं आ रही और ख़राब आवाज़ आ रही है, तो बच्चे क्या है कि बच्चे आगे से उस क्लास में जाने के लिए मना कर देंगे और वो उनका जी चुराएगा उस क्लास में जाने के लिए। और आगे दोस्तों, हमारे पास शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया। अब देखिए, इसमें देखते हैं, छात्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि मीडिया और शिक्षक पृथक पृथक है। उदाहरण के लिए, अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए, जो चीज़ हम बच्चों को जैसे सेट्टो बॉक्स पे दिखा रहे हैं तो उसको हमें बाद में डिस्कस करना चाहिए। अब ये बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो फिल्म दिखाई है वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए दिखाई है, नहीं, हमने जो फिल्म दिखाई है, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, उसको हमें जो हमारा जो टीचिंग है उसके साथ रिलेट करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके उनको उदाहरण देके बताना चाहिए कि देखिए उस फिल्म में ये बात इस तरीके से बताई थी। तो उस पर हमें विचार करना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, ये बात हमारे शिक्षण से रिलेटेड है, तभी हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होगा। और आगे देखते दोस्तों, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए, वातावरण बनाने के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होनी चाहिए, जो बच्चों की संख्या वो लिमिट में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि 100-150 बच्चे ले लिए और उनमें अच्छे से पता ही नहीं चल रहा कौन बच्चा क्या कर रहा है, शोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लिमिट होनी चाहिए। कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और छात्रों के साथ समरस्य और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षक है उसको बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, कर सकता है।
अब बच्चों को ये लगना चाहिए कि जो टीचर है वो सही है। अब देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर से डरते हैं। पहले के टाइम में जो टीचर है वो बहुत पीटते थे, इस वजह से बच्चे उनके पास नहीं आते थे और कुछ पूछने से भी कतराते थे। तो माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे डरे ना, कोई भी बात पूछे तो वो बिल्कुल आसानी से हमारे पास आ सके। प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना, सेटिंग अप ए फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमें ऐसा वहाँ पे बनाना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी बच्चा आसानी से अपना फीडबैक दे सके, ठीक है। और इसके लिए आप ये कर सकते कि भाई अगर किसी को स्पेशल कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात है, तो वो आप हमें आधी छुट्टी के अंदर आके बता सकते हैं, या फिर आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, अगर किसी को बात बतानी है तो वो बता सकते हैं, या प्रिंसिपल से कह सकते हैं। यानी कि इस तरह का हमें सिस्टम बनाना चाहिए जिससे बच्चा बिल्कुल आसानी से फीडबैक दे सके। और आगे दोस्तों हमारे पास नवोन्वेषण के लिए प्रेरित करना, एनकरेजिंग इनोवेशन। अब बच्चे में ये चीज़ विकसित करनी चाहिए कि बच्चा नई नई चीज़ें खोज के लेके आए। अब देखिए बच्चों को नए नए एक्सपेरिमेंट करवाने चाहिए और हमें क्विज डालने चाहिए, प्रतियोगिता डालनी चाहिए कि हम इस दिन को ये प्रतियोगिता करने वाले हैं और उस प्रतियोगिता में जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसको हम सम्मानित करेंगे। यानी कि एनकरेज करना चाहिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। अब है प्रबलन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग रिफोरेंसमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उसका पुरस्कार करना चाहिए। सामाजिक मान्यताओं आदि के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रबल प्रदान किया जा सकता है। यानी कि बच्चे को एनकरेज कैसे किया जा सकता है, जब हम उसको इनाम देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, दो चार लोगों में कहेंगे कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, और जब बच्चा अपने बारे में सुनता ना कि मेरे बारे में तो वो लोग हैं वो ऐसा कह रहे थे कि ये तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो उसमें ऑटोमेटिक आगे और आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। और एक और चीज़ होती है दोस्तों क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो हमारा एड्यूटेनमेंट का होना चाहिए। एड्यूटेनमेंट का मतलब होता है दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर शिक्षा भी होनी चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें इंक्लूडिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।